स्वागत है मित्रों मेरे नए वीडियो में। मित्रों तो आज हम जानेंगे आधुनिकीकरण शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यह टॉपिक लिया गया है। मित्रों तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम आज देखेंगे आधुनिकीकरण का क्या क्या देख सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले रूपरेखा और मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना, उसकी परिचय और आधुनिकीकरण का अर्थ, आधुनिकीकरण की परिभाषा, आधुनिकीकरण की विशेषताएं, आधुनिकीकरण का उद्देश्य, शिक्षा तथा आधुनिकीकरण का संबंध, भारत में आधुनिकीकरण के कारण, आधुनिकीकरण के गुण, आधुनिकीकरण के दोष, आधुनिकीकरण के निष्कर्ष, उपसंहार और संदर्भित ग्रंथ। तो मित्रों सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावनाएँ और परिचय के बारे में समझ सकते हैं। तो आधुनिकीकरण के विविध आयाम हैं, इसको समाज, समूह या व्यक्ति के स्तर पर समझा जा सकता है। इसको आर्थिक आधुनिकीकरण, सामाजिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, तकनीकी आधुनिकीकरण, शैक्षणिक आधुनिकीकरण आदि के रूप में भी समझा जा सकता है। इस प्रकार से हम इस अवधारणा का प्रयोग व्यापक रूप में कर सकते हैं। अर्थशास्त्रीय आधुनिकीकरण को समाज में प्रति व्यक्ति उत्पादन आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि लाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की तकनीक के प्रयोग में आने वाले मानवीय प्रयासों के अर्थ में समझते हैं। उसी प्रकार समाजशास्त्री इसका विवेचन जीवन की गुणवत्ता में अंतर के रूप में करता है, जो कि आधुनिक समाज में विशेषता है। राजनीति शास्त्री इसको राष्ट्र निर्माण के कार्य के रूप में देखता है। तो यह उसका परिचय हुआ मित्रों। उसके बाद अपन देखते हैं इसका अर्थ। आधुनिकीकरण को अंग्रेजी में मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। मॉडर्न शब्द से मिलकर बना है। मॉडर्न शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोडो से बना है, जिसका अर्थ है प्रचलन, अर्थात जो कुछ चलन में है वही आधुनिक है। इसी शब्द के आधार पर आधुनिकता, मॉडर्निटी, आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जो कि इसके आधुनिकीकरण के कुछ अर्थ हैं मित्रों। तो आधुनिकीकरण की परिभाषा को हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम डेनियल लर्नर ने आधुनिकीकरण का अभिप्राय मानवीय गतिशीलता है, जिसके कारण वैज्ञानिक भावना, संचार साधनों में क्रांति, नगरीकरण, शिक्षा, व्यापक आर्थिक साझेदारी, अच्छा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राजनीतिक साझेदारी या मतदान व्यवहार में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है, ऐसा उन्होंने कहा। और प्रोफेसर MS गोरे के अनुसार जब हम आधुनिकीकरण शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य प्रमुख रूप से देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक स्तर पर पहुंचाने से होता है। उसी प्रकार CE Black के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐतिहासिक रूप में संबंध संस्थाएं परिवर्तित होते हुए नवीन कार्यों को तीव्र गति से अपना रही है, व्यक्तियों के ज्ञान वृद्धि हो रही है तथा इससे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है। उसी प्रकार MIchell के अनुसार आधुनिक तुलनात्मक प्रक्रियाओं का समूह एवं यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, नौकरशाहीकरण सम्मिलित परिवर्तन एवं इन प्रक्रियाओं का सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रयासों से हैं। उसी प्रकार मित्रों हम आप जानेंगे आधुनिकीकरण की विशेषताएं। आधुनिक की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो कि हम यहाँ पर दिए हैं, तो सबसे पहले आता है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, साक्षरता, आर्थिक समृद्धि, नवीन मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामाजिक विविधीकरण, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो मित्रों यह कुछ उसकी आधुनिक विशेषताएं हैं जिसे अपन इसके गहन अध्ययन करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद अपन देखेंगे आधुनिकीकरण का उद्देश्य। आधुनिकीकरण मुख्य रूप से 6 मुख्य उद्देश्य, जिसमें से उनकी दृष्टिकोण की व्यापकता, ज्ञान भंडार में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, जीवन स्तर का उन्नयन, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, संतुलन की स्थापना। तो कुछ इस प्रकार से मित्रों उसके आधुनिक के प्रमुख उद्देश्य हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य मित्रों प्रगति करना है और प्रगति ही करते रहना है। शिक्षा तथा आधुनिकीकरण का संबंध। कोई भी समाज बिना शिक्षा के आधुनिकीकरण नहीं कर सकता। शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए निम्न रूप से सहायक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट, शिक्षा से ही विज्ञान तथा तकनीकी विकास संभव होता है। दूसरा, शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तनों का सशक्त पालन होता है। तीसरा, शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तनों में उत्पन्न असंतुलन को समाप्त किया जा सकता है। चौथा, इसके द्वारा ही विश्व के अन्य समाजों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, शिक्षा से समाज की ग्रहणशीलता बढ़ती है, इसके माध्यम से व्याप्त संकीर्णता तथा कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। सातवा, इससे वैज्ञानिक चिंता तथा शक्ति का विकास होता है। यह शिक्षा और आधुनिकीकरण का संबंध है मित्रों। समाज को बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक है कि समाज में एक व्यवस्थित, कल्याणकारी तथा सुनियोजित आधुनिकीकरण लाया जाए। कुछ बिंदु जैसे शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए,
विविधतापूर्ण एवं जनोपयोगी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा से ज्ञान के भंडार वृद्धि और भी नवीन तरीकों से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यह सभी उसके प्रमुख बिंदु हमें। तो मित्रों, अब हम भारत में आधुनिकीकरण के कारण देखेंगे। तो भारतीय संबंध में आधुनिकीकरण को दिशा प्रदान करने वाले अनेक कारण हैं, जैसे प्रौद्योगिकी उन्नति, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रीकरण, आधुनिक शिक्षा, बुद्धिवाद, रेशनलिज्म, प्रतिष्ठा की अनुभूति इत्यादि। मित्रों, आधुनिकीकरण के गुण। आधुनिकीकरण के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं: नवीनता, सामाजिक उन्नति, उत्पादन में वृद्धि, सुख की अनुभूति, अनुपयोगी रीतियों से मुक्ति, अन्य समाजों में सम्मान, चिरस्थायी अस्तित्व हेतु, अंधानुकरण का परित्याग, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण के अनेक लाभ हैं तथा उन्नत समाज को आधुनिकीकरण का सहारा लेना आवश्यक है। आधुनिकीकरण विचारों में ही नहीं तकनीकी में भी होनी चाहिए, जिससे उत्पादन वितरण क्षेत्रों में लाभ पहुँच सके। और आधुनिकीकरण के, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। आधुनिकीकरण के अनेक लाभों के पश्चात भी इनके दोषों का कम नहीं आंका जा सकता। आधुनिकीकरण का अंधानुकरण समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। वर्तमान में महिलाओं पुरुषों द्वारा छोटे कपड़े पहनना, मादक पदार्थों का सेवन करना, सदाचार शिष्टाचार को त्यागना, हड़ताल, तालाबंदी, सामाजिक बिखराव जैसे अनेक उदाहरण हैं जो वर्तमान आधुनिकता की देन है। तो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आधुनिकीकरण के विपक्ष में तर्क, सांस्कृतिक विलंबना, पाश्चात्य राष्ट्रों की नकल, प्रत्येक वस्तु उत्तम नहीं होते, प्रकृति में व्यवधान, प्रत्येक वस्तु विचार त्यागने योग्य नहीं होते, जैसे शिष्टाचार, सत्य आदि कल्याणकारी है, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ फटे पुराने जीन्स पहने हुए जबकि नए पहन सकते हैं, फिर भी जबरदस्ती का। और ये आदि मानव की तो मजबूरी थी मित्र, जो कि हमारे पूर्वज थे। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आधुनिक के दोस्त, और आधुनिकीकरण अच्छा भी है तो उसके कुछ बुराई भी हैं, बस व्यक्ति इसका कैसे उपयोग करता है वह उनके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, और निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं कि हम सामाजिक स्तर पर सामाजिक संबंधों को तथा मानवीय गरिमा के आधार पर बनाना चाहते हैं। ऐसे सामाजिक मूल्य चाहते हैं जो सामाजिक गतिशीलता को सुनिश्चित करें, जाति निर्योग्यता को दूर करें, स्त्रियों की दशा में सुधार करें आदि। आर्थिक स्तर पर हम तकनीकी विकास तथा न्यायिक वितरण चाहते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर हम धर्मनिरपेक्षता, तर्कवाद तथा उदारवाद चाहते हैं। राजनीतिक स्तर पर हम प्रतिनिधि सरकार, जनतांत्रिक संस्थाएं, उपलब्धि परक शक्ति संरचना तथा भारतीय जन की अधिक भागीदारी चाहते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हम जो माध्यम अपना रहे हैं वे तर्कवाद तथा विज्ञान पर आधारित है। इसमें से प्रमुख है शिक्षा, जिससे ज्ञानता के अंधकार को दूर किया जा सके, नियोजन, विधायन, विदेशों की सहायता, उदारवादी नीति आदि। और आधुनिकीकरण एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन यह एक सीमा में ही होनी चाहिए और शिक्षा के साथ होनी चाहिए, तब इसका अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का मोबाइल, उसके बाद थोड़ा सा और डेवलप होते गया, 5G आ चुका है, मतलब तो आधुनिकीकरण किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ वैज्ञानिक लोग नई नई खोज करते ही जा रहे हैं। और उपसंहार मित्रों, आधुनिकीकरण की अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं, यह सामाजिक परिवर्तन का एक रूप है। जब कोई सामाजिक परिवर्तन होता है तो वह समय तथा काल के लिए आधुनिक होता है। शिक्षा तथा विचारों में आधुनिकीकरण व्यापक रूप से देखने को मिलता है। यह समाज के अंगों जैसे सभ्यता, सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, उत्पादन, तकनीकी, रहन सहन, आचार विचार इत्यादि को प्रभावित करती है। आधुनिकीकरण का लाभ भी है तो इसका हानि भी, दुष्परिणाम भी है मित्रों। तो व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग। मित्रों, सफलता की चाबी सभी के हाथ में ही है, तो उसे जहाँ जैसे चलाना चाहते हैं उसका यूज कर सकते हैं मित्रों। और इसका मैंने संदर्भित ग्रंथ लिया है शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष, पूनम मदान, विजय गुप्ता, रोमा श्रीवास्तव और उदयमान भारती, समाज में शिक्षा की भूमिका, रामस्वरूप सक्सेना और एके मित्तल के। तो मित्रों, आप इससे अपना पढ़ाई में आप हेल्प ले सकते हैं मित्रों। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच मित्रों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करें। मित्रों, आपको प्रशांत पटेल ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ आता रहेगा। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में।